कर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और देखिए कि मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का कार्य होता है कि विधवा, ओल्ड एज, हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग लोगों को जो है उनके लिए राशि जो है जो सेंटर से या गवर्नमेंट से मुहैया करवानी चाहिए वो उनको दी जाए, लेकिन जिस तरीके से कुछ महीनों से उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, पहले बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, फिर बोलते हैं कि आपकी जो है वेरिफिकेशन होगी, फिर बोलते हैं कि आप दोबारा से रिव्यू करवा के लाइए वेरिफिकेशन, दोबारा से आपका जो है वो जांच पड़ताल होगा। कुछ हद तक मैं इस बात को सही समझता हूँ कि जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है उसके भी जो पेंशन है उसके परिवार वाले अगर ले रहे हैं, किसी का हक ले रहे हैं, उसके साथ हूँ मैं, उसमें मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप पिछले 4 महीने से हमारे लोगों को तंग किए जा रहे हो, हमारे दिव्यांग को, हमारे अपने बुजुर्गों को, हमारी विधवाओं को, कुछ बुजुर्ग तो आज चारपाई पे हैं, कुछ दिव्यांग अपनी चारपाई पे हैं, कुछ दिव्यांग अपने उठ के खड़े नहीं हो सकते, तो मुझे बताइए किस तरीके के आपके ऑफिस के वो चक्कर काटे। आपने जो चीज़ मुहैया होती है सेंटर से वो तो आप सीधा सीधा मुंह पे बोल देते हो कि कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन मुझे बताइए उनका प्रावधान कौन करेगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ ये विकास, ये सर्वनाश है, ये विकास नहीं कि दिव्यांगों को नहीं बख्शा जा रहा, बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा और विधवाओं को नहीं बख्शा जा रहा। और कहते हैं कि आप कैटेगराइज बाय जो है आप डॉक्यूमेंट लाए तो आपको पेंशन होगी। मैं मानता हूं कि एक घर अगर अमीर है उस घर के अंदर कोई दिव्यांग है या ओल्ड एज है, अगर आपने प्रावधान पहले से अगर चलता आ रहा है तो उनके लिए रखिए ना, इसमें क्या दिक्कत है, सबको जिसका हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तानाशाही वाली हो चुकी है, बाबूशाही वाली हो चुकी है कि इनको इंसान दिखते ही नहीं। उनकी कमियां कैसे पूरी करनी है, कैसे सरकारों ने काम करना है वो दिखता ही नहीं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ना होते हुए हम किस तरीके से फेस कर रहे हैं वो हमें पता, हमारे नुमाइंदे ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जल्द यहां के नुमाइंदे होने चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, स्टेट वापस मिलनी चाहिए, हमारी सरकार, हमें खुशी है अपनी सरकार के साथ। देखिए डेली वेजर्स, अस्थाई कर्मचारी और कैजुअल लेबर बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, जो पिछले 25 साल से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन किसी ना किसी चौराहे पे, डिपार्टमेंट के अंदर या रोडों पे प्रदर्शन के जरिए दिखता है। मैं सन्नी कांचिव, ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया, जे एंड के यूटी चेयरमैन होने के नाते और राष्ट्रहीन संघ प्रधान होने के नाते हमने जो इस पे प्रण लिया है कि अस्थाई कर्मचारियों डेली वेजर्स के जो मुद्दा है हम पीछे नहीं हटने देंगे, उस मुद्दे को जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर करेंगे और उस मुद्दे को हल करवाने से जम्मू से लेकर सेंटर तक जो हमने आवाज़ उठाई है वो उसको हम कभी रुकने नहीं देंगे और बुलंद करेंगे। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा त्यौहार है ईद का, हमारे मुसलमान भाइयों का पूरे वर्ष में मनाया जाएगा। उस ईद के त्यौहार पर मैं सब मुसलमान भाइयों को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि क्या आज भी डेली विजर इस ईद को ऐसे ही मनाएंगे, क्या उन डेली वेजर जो हमारे मुसलमान भाई हैं क्या उनको नहीं अपने घर पे बच्चे फैमिली सब कुछ, उनको भी अपने घर पे बच्चों के लिए फैमिली के लिए ईद के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो 9,000 से क्या वो लेंगे मुझे बताइए, 1200 का तो 1100 का सिलेंडर है, राशन इतना महंगा, तेल इतना महंगा, वो अपने बच्चों की फीसें पूरी करें, घर का राशन पूरा करें, अपने बुजुर्ग माता पिता की बीमारी का देखें, अपना देखें, क्या क्या करें। आपने हर टाइम सिर्फ जुमले और लोगों को बेवकूफ बनाने का जो कार्य है वो करके रखा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर के काफी मंत्री आते हैं, यहां देश में आते हैं और बैठते हैं, जम्मू कश्मीर हरा भरा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो उनकी मुश्किल आते हैं वो कौन हल करेगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का वो आप क्या पॉलिटिकल एजेंडे में रखेंगे, अपनी मैनिफेस्टो में रखेंगे हर साल हर बार, लेकिन जल्द से जल्द इस मुद्दे पे जो है हमारे डेली विजर्स पे संज्ञान लीजिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुप्पी साध के हम अभी बैठे हैं ना, जिस दिन चुप्पी टूटेगी, जिस दिन वो अपना खामोशी का जो बांध अगर वो बाहर टूट के जब बाहर आ जाएगा तो जन सैलाब हम रोडों पे लाएंगे। ये मेरी तरफ से ऐलान आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ दिनों के बाद
जल्द ही इस रणनीति पे हमारा कार्य हो रहा है, और जिस दिन हम लोग रोरो पे आए बहुत बड़ा जनसैलाब जम्मू कश्मीर के अंदर होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत कुछ हुआ, वो अपना पिस रही है इनके तानाशाहियों से, बाबूशाहियों से। नौजवान हमारे रोजगार ना होते हुए नशे की तरफ जा रहे हैं, काम काज ना होते हुए क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ये हम जम्मू कश्मीर के अंदर अब कतई नहीं होने देंगे। महाराजा हरि सिंह की धरती पे, महाराजा गुलाब सिंह की धरती पे जिस तरीके से अन्याय आज हो रहा है उसको हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से ऐलान है। और एक चैनल और हम ये बोलना चाहते हैं कि जल्द ही बहुत बड़े आंदोलन में हमारा संघ और हमारी पूरी टीम जो है वो रोडों पर दिखेगी।